दोस्तों जो हमारा एलईडी बल्ब का ड्राइवर आईसी होता है उसको हम कैसे चेक करेंगे। देखिए दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि जो हमारा ड्राइवर आईसी होता है यहाँ पर जो भी हमारा यहाँ पर लगा रहता है, देखिए इसमें दो आईसी है, एक को हम रेक्टिफायर बोलते हैं, एक को हम आईसी ड्राइवर बोलते हैं। जो हमारा ड्राइवर आईसी होता है दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर एक हमारा यहाँ पर रेक्टिफायर रहता है, यहाँ पर ये हमारा ड्राइवर आईसी रहता है। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए जो भी हमारा ड्राइवर आईसी होता है इसमें हमारा टोटल दोस्तों 8 लेग होता है। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 यहाँ पर 5 6 7 8, तो यहाँ पर टोटल हमारा 8 पिन है, यानी 8 हमारे पिन दिए गए हैं। तो अब इसका दोस्तों पिन का क्या नाम है और पिन को हम कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम कैसे काउंट करेंगे, यानी एक नंबर हमारा पिन कौन सा होगा, दो नंबर कौन सा होगा, तो दोस्तों आपको यही बताएंगे। देखिए जब भी दोस्तों आप ड्राइवर आईसी देखेंगे तो इसमें हमारा एक कट का निशान बना रहता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हल्का सा बिंदु आपको दिखेगा, इसमें शायद आपको सही से ना दिख रहा होगा, लेकिन दोस्तों आप ड्राइवर आईसी को अगर आप देखेंगे तो इसमें हल्का सा बिंदु आपको दिखेगा यहाँ पर। तो जहाँ पर भी दोस्तों बिंदु दिखेगा यहीं से हमारा एक नंबर स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर एक नंबर हो गया और ये दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर और 5 और 6 आपस में हमारे शोल्डिंग रहते हैं। यहाँ पर देखिए आपस में दोनों मिले हैं और हमारा 7 नंबर खाली रहता है, 8 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इस जो हमारा इस आईसी है इसका जो पिन डिटेल है, मैं सबसे पहले आपको पिन डिटेल बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो हमारा एक नंबर पिन आता है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक नंबर जो हमारा पिन होता है ये हमारा फ्रिक्वेंसी का होता है। तो जब भी दोस्तों हमारा यहाँ पर फ्रिक्वेंसी आता है तो यहाँ पर अगर आप मल्टीमीटर से आप चेक करेंगे, यानी जब भी आप मल्टीमीटर लेंगे तो आप डीसी वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ पर एक ग्राउंड का पिन ले लेंगे, यहाँ पर हमारा जो माइनस होता है रेक्टिफायर का, और यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको एक और वोल्टेज नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जो हमारा यह दोस्तों ड्राइवर ऐसे होता है इसमें हमारा फ्रीक्वेंसी निकलता है, फ्रीक्वेंसी कंजक्शन पिन। तो इस फ्रीक्वेंसी को सही करने के लिए यहाँ पर हमारा जो इंडक्टर कॉइल लगा रहता है ये हमारा फिल्टर करता है, वोल्टेज को फिल्टर करके हमारा जो एमसीपीसीबी है उस पर वोल्टेज देता है। तो ये हमारा एक नंबर हो गया फ्रीक्वेंसी का। और दोस्तों जो हमारा दो नंबर होता है फीडबैक का, तो यहाँ पर दो नंबर फीडबैक का हो गया। और तीन नंबर दोस्तों हमारा जो होता है पावर सप्लाई का होता है, तीन नंबर हम पावर सप्लाई का पिन होता है। और चार नंबर दोस्तों जो हमारा होता है ये इंटरनल मॉस्फेट करंट सेंस होता है, इसको हम इंटरनल मॉस्फेट जो हमारा पिन होता है। और यहाँ पर 5 और 6 आपस में मिले रहते हैं, तो इसको हम दोस्तों इंटरनल ड्रेन मॉस्फेट पिन बोलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमारा 7 नंबर है एक खाली रहता है और 8 नंबर दोस्तों हमारा ग्राउंड का पिन होता है। तो इस प्रकार से हो गया। अब देखिए मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे कि हमारा सही है या खराब है, तो सबसे पहले दोस्तों मल्टीमीटर लेते हैं यहाँ पर, और मल्टीमीटर को आपको बजट के रेंज में सेट करना है। यहाँ पर जो भी हमारा बजट का रेंज है, तो थोड़ा सा कैमरा को दोस्तों मैं सेट कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए आपको कैसे चेक करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको जो ब्लैक प्रूफ है यहाँ पर इसको एक नंबर पिन पर लगा लेना है, यहाँ पर जो हमारा दोस्तों ड्राइवर आईसी का एक नंबर पिन है तो आपको एक नंबर पिन पे लगा लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को मैं जूम करके आपको अच्छे से दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर हमारा एक नंबर पिन हो गया, तो एक नंबर पर इस प्रकार से लगा लेना है। और यहाँ पर आपको इस जो रेड प्रूफ है इसको दो नंबर पर लगाना है यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर हमारा 500 से 600 तक का रीडिंग आता है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा कुछ रीडिंग आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 583। और जो तीन नंबर इसमें कुछ भी रीडिंग नहीं मिलना चाहिए, और हमारा जो चार नंबर इसमें कुछ रीडिंग आएगा और चला जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कुछ रीडिंग आया चला गया। और हमारा जो छः नंबर और देखिए जो 5 6 मिला है इस पर रीडिंग नहीं आएगा, और जो दोस्तों हमारा 7 नंबर है पर पहले नंबर पर लगा करके फिर 7 नंबर पर इस प्रकार से चेक करना है तो रीडिंग आएगा, देखिए हमारा रीडिंग आ गया। और इसके बाद हम 8 नंबर पिन पर भी चेक करेंगे तो सेम रीडिंग आना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा आईसी चेकिंग हो गया दोस्तों, कि आप इस प्रकार से ड्राइवर आईसी को चेक करते हैं। एक हम खराब लेकर के आपको दिखाते हैं कि यह हमारा किस प्रकार से रीडिंग बताता है। तो यहाँ पर मैं खराब ड्राइवर आईसी ले रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसका हमारा एक नंबर दोस्तों देख लेते हैं, इधर है हमारा, तो एक नंबर देखिए यहाँ पर है हमारा, तो एक नंबर यहाँ से चेक करते हैं, दो नंबर पर लगाते हैं तो देखिए हमारा कोई रीडिंग नहीं आ रहा है, तीन नंबर पर देख लेते हैं, तीन नंबर पर भी नहीं आ रहा है, चार नंबर पर भी दोस्तों नहीं आ रहा है, पांच पर भी हमारा कुछ भी रीडिंग नहीं शो कर रहा है,
6 पर देख लेते हैं, 6 पर भी नहीं आ रहा है और 7 पर भी नहीं आ रहा है, नहीं 8 पर आ रहा है, यानी हमारा कोई सा भी रीडिंग ही नहीं शो कर रहा है इस ड्राइवर आईसी। तो इसका मतलब दोस्तों ये हमारा ड्राइवर आईसी ख़राब हो चुका है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आप ड्राइवर आईसी मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं बताया तो आप इस प्रकार से मल्टीमीटर लीजिए और एक एक पिन को आप टेस्ट करिए। और मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर ड्राइवर आईसी कैसे चेक किया जाता है, तो यहाँ पर देख ही सकते हैं कि हमने कैसे चेक किया। तो आप इस प्रकार से ड्राइवर आईसी दोस्तों अपने घर पर चेक कर सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि हमारा ड्राइवर आईसी सही है कि नहीं। अगर आपको अगर सही नहीं है तो आप मल्टीमीटर से एक बार चेक करके इसको पता कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।